कितना दावा करने का है उधर बहुजन ने कहा था 126 सीट आएगा तो उसमें मैं भी जीतूंगा 126 में 126 दे दीजिए विपक्ष भी है कुछ नहीं नहीं विपक्ष में कुछ नहीं है खाली बात करते हैं अभी जो भले जो बस्ती में हमारा काम नहीं हो रहेगा मैं बोलता हूँ एक हद बस्ती ऐसी जो जिधर कभी गलती से काम बचा रहेगा उधर भी बोलेंगे तो बोलेंगे यही है सिटी वाले ये ये आप इशारा कर रहे हैं कि 72% वोट मेरे पास है टिकट नहीं मिली तो गड़बड़ी होगा नहीं टिकट का नहीं बहुजन विकास आघाड़ी के मेरे अच्छा, नहीं बोल रहे अच्छा आपका नहीं 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 बहुजन विकास लोग कहते हैं आपका भी है नहीं नहीं अपना चलिए मैं इस बीच में चार चुनाव है चार चुनाव में 28% बाहर वालों को वोट गया अदर पार्टी को 72% आज भी बहुजन विकास आघाड़ी में आगे भी मिलेगा क्योंकि ये दो चार इलेक्शन का है मैं एक इलेक्शन का नहीं बोल रहा चार चुनाव का है लगातार चलिए ये 28-30% के ऊपर विरोधक जाते ही नहीं पर पानी बिजली वो तो बोलने की बात है आप जिधर भी जाओ विरोधक जो भी सत्ताधारी रहेंगे उसका राज्य में केंद्र में सकते उन्होंने कौन सा एक भी आमदार फंड से आमदार नहीं सॉरी हल्दार फंड से लाया रहेगा ये कौन से भी स्वीकृत एक बता दे एक काम बता दे इधर कौन से भी एरिया में ये हमने खासदार फंड से लाया आमदार भले हमारे खासदार फंड से लाया एक काम बता दे ना केंद्र से राज्य से लाया हुआ हम है हम राजनीति छोड़ देंगे यार अरे बाप रे नुकसान नहीं होगा आरोप ही है आरोप तो सिद्ध होने चाहिए आरोप कुछ भी करे आरोप लगातार भी लगे जो है लेकिन उनका जो आरोप हुआ उनको बाजू में करके दूसरा आएगा पार्टी का ना पार्टी के इतने कार्यकर्ता मतलब बाजू बस कमी नहीं है कमी नहीं है कुछ बहुत कार्यकर्ता जो गड़बड़ है उसको हटाइए हटाने को नहीं बोल नमस्कार मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ लगातार हम उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव में अपने आप को उस रणभूमि में उतारने की पूरी तैयारी में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा लेकिन उन्होंने 5 वर्ष पद पर रहकर काम किया है नगर सेवक पद रहा सभापति पद रहा और तमाम पदों पर रहकर जनता के बीच में कैसे काम किए उसकी हम पड़ताल कर आखिर वाकई में इन्होंने 5 साल काम किया या ढकोसला क्षेत्र को उठाया या नीचे गिराया इस पर हम सीधे तौर पर बात करेंगे पंकज पाटिल से और पंकज पाटिल और उनकी पत्नी लगातार पद पे रहे हैं और उस समय रहे हैं जब नगर यहाँ पर नगर परिषद का माहौल हुआ करा था इस पूरे इतिहास पर भी जाएंगे वर्तमान स्थिति पर भी जाएंगे और बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हैं इस पर भी जाएंगे आइए हम सीधे बात करते हैं पंकज पाटिल से पंकज जी सबसे पहले नमस्कार नमस्कार सबसे पहला सवाल पंकज ये अक्सर आपसे किसी ने किया भी होगा राजनीति में आने के पीछे का मकसद क्या था बहुत लोग कहते हैं कि आ गए राजनीति में तो चुनाव उनाव लड़ लेंगे पद बता जाएगा तो आप इसीलिए आए थे या कुछ और भी था नहीं लोगों का काम करने के लिए जो अचानक आ गया आपके मन में लोगों के बीच में ऐसे लोक सेवा करने का मौका था सोच आपके परिवार में कभी कोई राजनीति में था नहीं हमारे दादी का भाई था आमदार MLA तब से मतलब वो सोच नहीं थी इतनी लेकिन दिखते थे उनको अपना मकसद था ही क्या जो यहाँ लोग है उनका कुछ तो काम अपन कर सके इसके लिए बाहर से करते थे तो राजनीति में आके ग्राम पंचायत चुनाव लड़े और अच्छी तरह से कर सके मतलब लोगों का काम तो बहुजन विकास आघाड़ी पसंद आई अप्पा क्यों बहुजन विकास आघाड़ी जितेन ठाकुर क्यों पसंद आए जो कि लोगों को कभी भी मिलते हैं और लोगों का सुन के लेते हैं यहाँ BJP भी तो है शिवसेना भी है राष्ट्रवादी है कांग्रेस है इन सब पे क्यों नहीं गया नहीं वो उतने बड़े नेता का मैंने कभी सोचा ही नहीं अच्छा ये बड़े नेता नहीं है ये घर के ये अपने तालुका का मैं जो कौन अच्छे काम करते लोगों को मिलते लोगों को समझ लेते मैं सोचा अभी शिवसेना हो तो उधर कौन मिलने जाएगा राष्ट्रवादी हो उधर को मिलने अपना नेता तो इधर ही मिलना चाहिए ना अपना काम इधर ही होना चाहिए तो जो नज़दीक मिले वो ठीक है नज़दीक मिले उनसे मिल सके अपना बात कर सके अपने जो एरिया का विकास हो या एरिया का काम हो उनसे उधर मिल सकते हैं ना ये बड़े नेता तो कौन जाके अध्यक्ष को कौन मिलने वाला है चलिए आप पर लेकिन मेहरबानी ज्यादा नहीं रही बहुजन विकास आघाड़ी की आपको टिकट मिला फिर आपकी पत्नी को मिला आपको सभापति बनाया आपकी पत्नी को सभापति बनाया लगातार मेहरबानी क्यों रही इतने मेहरबान बहुजन विकास आघाड़ी वाले क्यों नहीं क्योंकि जो काम करता है उनको आपा कभी भी पद पे बिठा दे पत्नी को सभापति बनाया मेरे को नगर सेवक बनाया मैं कंटिन्यू 4 साल स्थायी समिति सदस्य था मतलब जो लोगों में रहते हैं अप्पा को पता रहता है कि लोगों का काम कौन करते रहता है हमेशा मैं ऑफिस में रहता हूँ दिन में 8 घंटा ऑफिस में रहता हूँ लोगों की समस्या सुन के रहता हूँ वो उनका काम करने का कोशिश करता हूँ ऐसा तो नहीं है कि पंकज पाटिल के पास चूंकि जो लोगों के बीच में आप कह रहे हैं लोकप्रियता चलिए हम मान लेते हैं तो लोकप्रियता है तो अप्पा जानते हैं अगर ये कहीं इधर उधर चला गया तो इसको नगर सेवक भी देते रहो पत्नी को भी दो सभापति बनाओ ताकि ये टिका रहे हमारे पास नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लोगों का काम करने के काम जो करते हैं उन पर आप पद देते हैं उनको ही टिकट देते हैं
वही है, इधर उधर जाने का सवाल क्या आता है। मैं पहले ही बोला कि हमको बहुजन विकास आघाड़ी इसलिए पसंद है, आपा इसलिए पसंद, क्योंकि हम इधर हमारे अध्यक्ष को इधर मिलके उन हमारे जो मन का बात है उनको बोल सकते हैं। अच्छा एक और सवाल, आपने कहा कि काम किया, तो आपके पास और आपकी पत्नी चूंकि लगातार पद रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जमीन पे काम किया, क्योंकि आपका क्षेत्र अगर देखें तो अनाधिकृत बांधकाम का भरा भरमार आपकी आंखों के सामने ये सब होता रहा और आप देखते रहे, कैसे विकास होगा? नहीं नहीं विकास तो होगा, विकास बहुत किया है यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। अनधिकृत बांधकाम है, अनधिकृत बांधकाम रोकना है नगर सेवक का काम नहीं है, नगर सेवक उस पर एक्शन ले नहीं सकता कुछ। और हमारे इधर गरीब लोग है, उनका एक बार झोपड़ा बना तो वो तोड़ने के लिए भी नगर सेवक नहीं बोल सकता कि गरीब लोग है, इधर उधर से जमा करके पैसा लाते और बनाते। एक तो वो प्रशासन का काम है कि वो पहना से पहले ही रोक दे, बनने के बाद तोड़ने के लिए हम उनको मजबूर करें, ये हमारे ऐसे नहीं होएगा। पर जो गरीब लोग हैं, पर जो बेच यही, अगर इसी चीज को एक डेवलपमेंट तरीके से प्लान लाया जाए, उस प्लान के तहत उन्हें घर दिया जाए जो आने वाले लोग हैं, तो भी तरीका हो सकता है ना, डेवलपमेंट प्लान तैयार हो सकता है ना अधिकृत रूप से, आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस पर अच्छा पत्राचार करेगा, तो नुकसान उन्हीं गरीब का होगा जो 10 साल 20 साल या 15 साल से रहेंगे यहाँ पर, क्या आपको लगता नहीं? नहीं अभी जो बना है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जो स्कीम आएगी उस अब आप बचाव में बोल रहे हैं बात कि भाई हम भविष्य में आए नहीं होने देंगे जल्दी ही। अच्छा आप बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी नगर सेवक से बात करो तो ये कहता है जो पीछे हो गया हो गया, अब आगे हम नहीं होने देंगे, तो ये भी हम माने कि आप भी ऐसा ही? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये जो रहते लोग इनके भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे। कई जगह रोड खराब हो जाती है क्योंकि अनधिकृत है, फॉरेस्ट जगह पे कहीं कहीं घर बन जाते हैं, वहाँ पर विकास हो नहीं सकता, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, फिर उनको आने जाने की समस्या बहुत सारी, और फिर एक अराजकता का माहौल भी देखा जाता है कभी कभार, कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है इस तरह की चीज़ों में, क्या लगता नहीं है रुकना चाहिए? वो रुकना चाहिए ये सच बात है, लेकिन इस पर जो शासन कड़क नियंत्रण लाएगा तो ही रुक सकता है ये। कोई तीन तीन आमदार आपके पास, 115 में 109 नगर सेवक आपके, लगातार महानगर पालिका से लेकर प्रशासन आपके हाथ में, आपके बड़े लोगों के हाथ में, और आप तक दो दो नगर सेविक नगर सेवक नगर सेविका सभापति पद, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ ना मैं कि बनने के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो अब जनता को नाराज नहीं करना चाहते, कहने का मतलब जनता नाराज हो जाएगी तो आंदोलन करेगी, आंदोलन करने का नहीं, गरीब लोग है जो कैसा कैसा जुड़ा के पैसा लाते हैं, वो बनने के बाद हम तोड़ने को लिए नहीं बोल सकते, यही कहना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में सुविधाएं उपलब्ध हो इसलिए प्लान बनना चाहिए, लगता नहीं? नहीं आने वाले दिनों में नक्की वो प्लान होगा, अभी यहाँ इस 2021 ये माने कि जो अनधिकृत है उसको अधिकृत रूप से कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं मिलेंगी। नहीं नहीं वो तो करना ही है, जो भी स्लम का जो डेवलपिंग होएगा उसमें हम लोग नक्के आगे इनके लिए अच्छा। अच्छा ये कहा जाता है कि जो भी स्थानीय होता है उसका बड़ा हाथ होता है, संरक्षण होता है, तो आपका तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर शक होता है लोगों को भाई नगर सेवक वहाँ है बैठा है वो देखेगा सब, पंकज पाटिल का नाम लो तो लोग डरते भी हैं कि अगर भाई उनका हर सीधे तौर पर बात करो ठीक है, लेकिन उनके नाम आ गया तो पीछे हट जाओ, ऐसा नहीं, हम किसी के इसमें जाते नहीं है, मतलब हम हमारे पीछे कोई लगेगा तो हमारे हम किसके पीछे नहीं मतलब लगते आप, मतलब आप हम काम करते हैं, लोगों का काम दिल से करते हैं, पार्टी का काम करते हैं अच्छी तरह से करते हैं, जो भी हमारे पास है विरोधक आए कोई भी उनका काम करना है हमारा फर्ज है और हम उसे 90% करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और सवाल, कितना काम आपने किया जमीन पर उसको गिना दीजिए आप, ये काम अभी यहाँ संतोष तुलिन से लेकर नाला सुपरा फाटा तक एक भी तालाब नहीं था, तालाब था मतलब सुशुभीकरण, यहाँ धानी में 5 एकड़ का तालाब तो सुशोभीकरण हो गया, उसमें इतने लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, यहाँ से मिलिट्री में जाने वाले आर्मी में जाने वाले बच्चे तैयार हुए यही तालाब पे, मतलब इतना फायदा हुआ लोगों को। अभी समझो उसमें रेलवे का काम चालू हुआ इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कम से कम 10 साल उस तालाब का फायदा लोगों को हुआ, यहाँ 10x20 के रूम में रहने वाले लोग तो घर से बाहर निकले तो कुछ जगह नहीं, तो ये तालाब का इतना फायदा हुआ, मतलब अच्छा काम हुआ पूरे जो बस्ती है यहाँ, कम से कम धानी में 11 पाड़े अलग अलग जगह, तो हर पाड़े में पानी कनेक्शन पहुँचने का लाइन हो गया, और मेरा एक सपना था मैं बम्बई जाता था तो स्ट्रीट लाइट रोड लाइट हर बस्ती में देखता, तो वही सपना था वो मैंने पूरा किया, हर जगह स्ट्रीट लाइट लग गया, बहुत बढ़िया ऐसा है, गटर रास्ते
बहुत जगह मतलब पूरा तो या कोई नहीं कर पाए नहीं होएगा, लेकिन जितना मतलब हो सकता था उतना बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से मैं नगर से को नहीं रहते, मतलब जितना ज्यादा काम हो सके उतना किया और आगे का काम है वो भी बहुजन विकास नहीं मिली अगर आप पार्टी जो देगा वो काम पार्टी देंगे बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं बेकार क्या काम, अभी मैं जब आया तब भी आप बाहर बैठे थे कुर्सी डालकर, कई लोग आपके साथ थे, तो शुरू से लेके आखिर तक काम करने वाला। और जब आप चुनाव लड़े तो जो मुझे याद है कि आपने खुद का कुछ नुकसान करके चुनाव लड़ा था, तो जो इस तरह की स्थितियां पैदा, नहीं नहीं मैं बताना ही चाहता हूं कि अगर टिकट नहीं मिलती तो इतना संघर्ष सब बेकार हो जाएगा। नहीं बेकार कुछ नहीं, वो जो संघर्ष खड़ा रहेगा काम में आएगा ना, आगे भी करते रहेंगे, आगे 5 साल नहीं तो आगे, इतना तो उम्र हुआ नहीं कि आगे खत्म होएगा सब। अच्छा मतलब आपकी आशा। अच्छा एक और सवाल, क्या आपको लगता नहीं इसी पट्टे में अगर हम ध्यान दें, आप चलो ठीक है, लेकिन कई ऐसे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो पद पर हैं उन पे आरोप लगे, क्या लगता नहीं नुकसान हो सकता है भविष्य में? नुकसान नहीं होगा, आरोप ही है, आरोप तो सिद्ध होने चाहिए, आरोप कुछ भी करें आरोप लगातार भी लगे जो है, लेकिन उनका जो आरोप हुआ उनको बाजू में करके दूसरा आएगा पार्टी का ना, पार्टी के इतने कार्यकर्ता मतलब बाजू में किया जाएगा। नहीं नहीं मतलब वो तो अध्यक्ष सोचेंगे, मेरे पर कुछ ब्लेम है। आप इशारा कर रहे हैं कि भाई बाजू में करके कोई नया दीजिए। नहीं नहीं कार्यकर्ता बहुत है ना बहुजन विकास आघाड़ी, आज आप खड़े रहेंगे चुनाव जिस दिन आएगा उस दिन इच्छुक का उम्मीदवार एक के पीछे 15 लोग रहेंगे, मतलब 14 लाइन में मतलब आपके पास कमी नहीं है। कमी नहीं है कुछ, बहुत कार्यकर्ता बहुत, जो गड़बड़ है उसको हटाइए। नहीं हटाने को नहीं बोल रहे मैं, मतलब अच्छे को मौका दीजिए, पार्टी को लगेगा अध्यक्ष को लगेगा क्या ये बाबा इनसे कुछ तकलीफ होगी पार्टी को, तो बाजू में रख से क्योंकि लाइन में 14 और है ना, और विरोधक कोई किसी से कम नहीं है। विरोधक कहते हैं कि आप लोगों ने कोई काम वाम नहीं किया और वो बस हर बार तो, पानी बिजली की वो तो बोलने की बात है, आप जिधर भी जाओ विरोधक जो भी सत्ताधारी रहेंगे उसका राज्य में केंद्र में उन्होंने कौन सा एक भी आमदार फंड से आमदार नहीं सॉरी खासदार फंड से लाया रहेगा या कौन से भी स्वीकृत एक बता दे एक काम बता दे इधर कौन से भी एरिया में कि ये हमने खासदार फंड से लाया, आमदार भले हमारे खासदार फंड से लाया एक काम बता दे ना केंद्र से राज्य से लाया हुआ हम है हम राजनीति छोड़ देंगे यार। अरे बाप रे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात मेरे धानियों में एक भी काम उन्होंने किया रहेगा कौन से भी बाजू वाले दूसरे पार्टी। धानियों का किस्सा मुझे याद है कि बोईसर का चुनाव था वहाँ से जीत गया वो व्यक्ति, लेकिन यहाँ आके हरा दिया आपने शिवसेना के उस। नहीं नहीं हरा नहीं, हम पार्टी का काम करते और मतलब जैसा नगर चैलेंज भी था आपका, जैसा नगर सिंह की चुनाव रहता है वैसा हम आमदार की कादर के में काम करते हैं, मतलब ये मैं खड़ा हूँ या मेरे अप्पा खड़े वो इस सब से काम करते हैं। जनता में आपको कितना भरोसा है, जहाँ पंकज पाटिल वहाँ जनता क्या है? आज के तारीख में जितना मैं 2010 में मेरी वाइफ नगर सेविका बनी, उसके बाद 15 में इस बीच में 4 चुनाव हुए, 4 चुनाव में 28% बाहर वालों को वोट गया अदर पार्टी को, 72% आज भी बहुजन विकास आघाड़ी में आगे भी मिलेगा क्योंकि ये दो 4 इलेक्शन का है, मैं एक इलेक्शन का नहीं बोल रहा, 4 चुनाव का है लगातार। चलिए 28-30% के ऊपर विरोधक जाते ही नहीं, ये आप इशारा कर रहे हैं कि 72% वोट मेरे पास है, टिकट नहीं मिली तो गड़बड़ी होगा। नहीं नहीं टिकट का नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के मैं अच्छा, नहीं बोल रहे। अच्छा आपका नहीं? नहीं नहीं बहुजन विकास आघाड़ी, लोग कहते हैं आपका भी है। नहीं नहीं अपना। चलिए मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ कि अगर मान लिया यहाँ पर जो माहौल है इसके हिसाब से ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपने कहा कि एक विरोधक बता दे एक काम, खासदार बता दे, आमदार पर सवाल उठता है कि वही बता दे कौन से काम, तो कौन से काम है बहुजन विकास आघाड़ी जमीन पर किया? अभी उनके माध्यम से हम जो पानी का योजना लाए आमदार साहब के माध्यम से लाए, सूर्या डैम की बात हाँ वो बहुत पहले की बात, लोग पहले की बात वही चल रहा गया वही चला नहीं, नहीं, नहीं वही, और जो भी महापालिका में फंड आता है वो आमदार साहब इनके माध्यम से आता है ना। जितने का कितना भरोसा है आपको अगर टिकट मिली तो, कितना दावा करते हैं? जितने का है उधर बहुजन विकास आघाड़ी 126 सीट आएगा तो उसमें मैं भी जीतूंगा। 126 में 126 दे दीजिए, विपक्ष भी है कुछ? नहीं नहीं विपक्ष में कुछ नहीं है, खाली बात करते हैं। अभी मैं आपको एक जवाब दूं, पिछले 2 साल से देखा आपने कोविड का काम, वो कोविड का टाइम में किसने काम किया ये हर एरिया में जाके आप बोलेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी कार्यकर्ता ने काम किया, तो कहीं नहीं किसके माध्यम से काम कर रहे थे? लोकनेता इंद्र ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से काम कर रहे थे, विपक्ष कहीं नहीं, विपक्ष के था ही नहीं। आप आज भी जाके बस्ती में पूछो, भले जो बस्ती में हमारा काम नहीं हुआ रहेगा, मैं बोलता हूँ एक आध बस्ती ऐसी जो जिधर कभी गलती से काम बचा रहेगा उधर भी बोलेंगे तो बोलेंगे यही है सिटी वाले, ये मतलब सिटी ही आएगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ये थे पंकज पाटिल, और पंकज पाटिल का साफ तौर पर कहना था कि जमीन पे काम किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है, जमीन पर काम का कितना नतीजा वोट में तब्दील होता है।
आने वाले समय विपक्ष क्या कुछ करता है और महानगर पालिका के चुनाव में कौन होता है महापौर, किसके बनते हैं सबसे अधिक नगर सेवक, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ क्लिप, सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।